वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस एंड वेलकम टू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल दी एकेडमी आई थिंक एक बार मुझे बता दो बच्चे साउंड एक्शन क्लैरिटी परफेक्ट है या नहीं लेट मी नो चलिए जो बच्चे आ गए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा सा थोड़ा क्या काफ़ी डिले हो गया 8 पी पे थी क्लासेस बट ड्यू टू समेक्निकल इशू और बाकी बात मैं थोड़ा सा ऑन द वे में भी uh, दिक्कत हो रही थी मुझे ठीक है फिर भी मैं किसी तरह से आई हैव रिस्ड टू द स्टूडियो चलिए आज ही आप लोग कैसे हैं ठीक है और एक अच्छी तरह से शुरुआत करेंगे अगर कुछ इन बाय द वे कुछ मिस्टेक भी हो जाती है तो प्लीज़ फॉगिव मी फॉर दैट और काफ़ी अरसे के बाद लग रहा है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव ज्वाइंट दिस सेशन ठीक है एक नई शुरुआत फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने आया हूँ आई होप कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे एज़ यू नो देट कि ये जो समय है थोड़ा सा परेशान मुझे बहुत ज़्यादा कर रहा है और आप लोग भी परेशान ना हो आई थिंक यू ऑल आर विथ योर पेरेंट्स आप अच्छी तरह से रहे मैं थोड़ा सा चीज़ों को उस तरह से आता है मैं काफ़ी सिचुएशन के साथ मैं थोड़ा सा हसल बसल हो जाता हूँ ठीक है तो परेशान नहीं होना है क्या हाल है ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दीपक कुमार जी चलिए एक बार सब बच्चों को ले लेता हूँ आशीष शुक्ला जी नमस्ते विकास पांडे दीपक कुमार अलका कुमारी विकास मैं शर्म ओके आ, दीपक कुमार जी बहुत ही बढ़िया चलिए तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ यू टाइम विल स्टार्ट द देशंस और कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तब तक आप आ जाएँ अभी तो ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा है मैं किसी तरह से स्टूडियो ही पहुँच जा रहा हूँ तो यही बहुत बड़ी बात है आ, ठीक है दीपक जी डेफिनेटली सिचुएशन थोड़ा सही होने दें अगर मैं आऊँगा तो मेरे साथ साइलेंट किलर जो साइलेंट वायरस है वो मेरे पीछे पीछे आएगा अब तक तो इसीलिए अभी ना बुलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे हाँ तो अभी बेसिकली जो हमारा फ्लैट और स्टूडियो दोनों आसपास ही है तो मैं अब यहीं पे रहूंगा तो इसके लिए टेंशन ना ठीक है तो किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होना चाहिए चलिए तब आ जाए तो स्टार्ट करें तो जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं जो बच्चे ईपीएफओ या किसी भी सीएपीएफ सी डी एस जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सारे सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो आज मैंने एक्चुअली Uh, थोड़ा सा सिचुएशन uh, अच्छी नहीं लगे तो इसीलिए मैंने एक क्लास आज शुरू किया उसके बाद जैसे ही दिन uh, घटते जाएंगे दिन अब मैं आपके सामने आता रहूँगा तो क्लासेस के नंबर बढ़ते जाएंगे ठीक है तो एक अलग से बूस्टअप होगा तो इसीलिए आप लोग के सामने आया हूँ कि एक प्रकार के बूस्टअप uh, एक प्रकार का एनर्जी मिले एक प्रकार का पॉजिटिव एनर्जी मिले एंड एज यू नो दैट कि इन दोज डेज जो सेवन टू एट डेज था मैं एक्चुअली रश्मिका मंदाना के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था ठीक है तो उन्हीं की मूवी में देख के ठीक है उन्हीं के मूवी के देखते देखते मैंने टाइम स्पेंड किया और थोड़ा सा ठीक है अपने आप को मैं काफ़ी रिकवर कर लिया हूँ हेलो रंजीत जी कैसे हैं आप तो स्टार्ट करते हैं ठीक है विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम विल स्टार्ट द सेशन और जो बच्चे लेट आएंगे लतीफ़ आएंगे उनको भी मैं आ, वेलकम करता हूँ मैं अपने दिवा अकेडमी के चैनल पर चलिए फटाफट -फड़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनके साथ मैं शुरुआत करता हूँ तो इस समय में मैं बेसिकली अच्छी अच्छी मूवी देखा ठीक है किसी तरह से दे� टाइम स्पेंड करना था तो मैं सोचा कि द बेस्ट वे टू तो स्पेंड टाइम वॉचिंग मूवी चलिए तो लेजर टाइम भी मिल गया था मैं बुक वगैरह के साथ नहीं था टू तो वेरी फ्रेंक भी थी मैं ना तो कोई पढ़ाई करी पूरा माइंड एकदम हसल बसल रहता था अगर माइंड अच्छा रहे फ्रेश रहे तभी पढ़ाई करने में भी मजा आता वर्खा कुमारी जी नमस्ते चलिए तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन य स्क्रीन आई थिंक एवरी इज परफेक्ट इट्स अ ट्यूरिंग मशीन सर्व ट्यूरिंग मशीन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर जो बच्चे असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह या ईपीएफओ जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं किसी भी यूपीएससी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्ट मेनी टाइम्स तो मुझे लगा कि एक थोड़ा सा हटके के क्वेश्चन है चलिए तो बच्चे जो यूपीएसआई या पीसीएस जैसे भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो यू कैन फॉलो दिस सेशन एंड आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प अ लॉड चलिए तो आंसर देते जाना बच्चा ठीक है ट्यूरिंग मशीन की बात करें जी चलिए Uh, जैसे विकास जी डी के साथ है ट्यूरिंग मशीन अ मशीन टू आइडेंटिफाई एक्सप्लोजिव एंड इंडिकेटर टू इन्फॉर्म अबाउट फॉरेस्ट फायर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग आउट ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ओके अ थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग मशीन टू एक्ट एज एन आइडियल मॉडल फॉर अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुमारी सुलोचना जी प्रिया सिंह नमस्ते चलिए आज ये फटाफट फड़ बच्चे और आराम से करेंगे सेशन नाउ इट्स आवर टाइम और एक अच्छा मोमेंट मिल गया जो बच्चे ईपीएफओ जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और किसी तरह से घबराना नहीं है सिचुएशन कैसी कैसे भी हो हालात कैसे भी हो वी हैव टू फाइट विद दिस ठीक है चलिए हाँ क्या बोल रहे हैं वर्खा कुमारी जी डी नमस्ते कुमारी सुलोचना प्रिया सिंह जी नमस्ते एंड आई होप कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे आराम से रहें नेगेटिविटी आती है और जिस एज पे मैं हूँ उस एज पे आप भी होंगे और नेगेटिविटी निगेटिविटी ही बात आएगी आई एम फाइन कुमारी सलोचना जी ठीक है टेंशन ना ले ठीक uh, है एक्चुअली मैं पेरेंट्स से अपने वीडियो कॉल पे बात कर लेता हूं उनको भी सही रखता हूं मैं भी सही रहता हूं एलन मस्क साहब जी प्रोडक्टिव पर्सन ऑफ द वर्ल्ड विश्व का सबसे प्रोडक्टिव पर्सन माना जाता है uh, क्या बोल रहे हैं डी ये भी बच्चे हैं डी के साथ चलिए और कोई बच्चा आंसर uh, देते रहे डी द करेक्ट एलन मस्क वी हैव एलन मस्क वी वीस यस एलन मस्क की बात करें तो ये भी एक हम हम सकते हैं कि अगर एक इंस्पिरेशनल पर्सन है

टू एक्ट इज आइडियल मॉडल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर मैं बात करूं इसके जो ट्यूरिंग मशीन है ट्यूरिंग मशीन वॉज डिस्कवर्ड पर्सन बफरिंग से तो परफेक्ट विकास पांडे जी एक बार अपने uh, ये क्या कहते हैं uh, शायद फिर से सिचुएशन सही हो जाएगा अगर मैं ट्यूरिंग मशीन की बात कर रहा था जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था उनका नाम था एलन ट्यूरिंग एलन ट्यूरिंग वॉज अ पर्सन हु इन्वेंटेड दिस ट्यूरिंग मशीन कभी कभी इसे स्टेटमेंट बाद में पूछा जाता है एलन ट्यूरिंग अपने नाम पे ही इन्होंने इस मशीन का नाम दिया ही वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस ट्यूरिंग मशीन अगर मैं यहीं पे बात किया जो ट्यूरिंग मशीन है बेसिकली ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो इट वॉज बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Uh, दो तरह से काम करता है एक बेसिकली uh, एक प्रकार का सेल होता है ठीक है नंबर ऑफ सेल कहा जाता है एंड अनदर वन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट इट कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स हम कह सकते हैं लाइन ऑफ सेल जिसे लाइन ऑफ सेल की बात करें तो उसे टेप कहा जाता है और जो एक्टिव uh, एलिमेंट जो उसे यूज करते हैं उसमें उसे हेड कहा जाता है तो एक बार मैं दिखा देता हूं कि ट्यूरिंग मशीन दिखता कैसा है तो शायद माइंड में अगर आपका इमेज रहेगा तो शायद आप इजीली से उसे रिकॉल कर पाओगे दिस इज द ट्यूरिंग मशीन यू कैन सी ये देखो ये, प्रकार see, hmm. ये uh, head, uh, एक प्रकार का हेड है यू कैन सी दिस इज हेड चलिए ये हेड है जो हेड है बेसिकली हेड ट्यूरिंग मशीन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स एक प्रकार का एक्टिव एलिमेंट है जिसे हम हेड के नाम से जाना जाता है और ये एक प्रकार का सेल है जिसे हम uh, जिसे हम टेप कहते हैं जिसे हम टेप कहते हैं तो इसी इन्हीं दोनों चीजों से बेसिकली हमें यह मिला है आ, हमारा ट्यूरिंग मशीन और यह एक प्रकार का आ, हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज किया जाता है तो दिस दिस वाज इन्वेंटेड बाय एलन दिस वाज इन्वेंटेड बाय एलन ट्यूरिंग ठीक है एलन ट्यूरिंग वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस ट्यूरिंग मशीन ठीक है बहुत ही बढ़िया प्रिया सिंह जी चलिए तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको, है आपको पीडीएफ के फॉर्म में थ्योरिटिकल कंप्यूटिंग मशीन टू एक्ट एज एन आइडियल मॉडल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज नोन एज ट्यूरिंग मशीन ठीक है ट्यूरिंग मशीन याद रखना बच्चों कभी कभी क्वेश्चन कभी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया जाता है तो आप हर तरह से तैयार रहें uh, ये स्टेटमेंट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस uh, करते रहें क्या पता कब क्वेश्चन uh, कैसा आपके सामने आ जाता है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्लूटूथ आप लोग सारे यूज करते हैं uh, बोला गया है कि वर्चुअल रियालिटी यूज एस शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन फॉर द इंटर कनेक्टिव मोबाइल फोन कंप्यूटर्स विथ ईच अदर तो दिए गए कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है रिगार्डिंग ब्लूटूथ ठीक है जो आप लोग एज यू नो दैट ब्लूटूथ Uh, अगर अब कुछ ऐसे इंसान होंगे या कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स uh, या एस्परेंट्स जो होंगे बेसिकली मोबाइल uh, या किसी कंप्यूटर से हम कनेक्ट कर लेते हैं ठीक है uh, अपने डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी तो ब्लूटूथ बेसिकली कौन से दोनों स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है टू बी वेरी फ्रेंक विथ यू गैज अगर मैं ब्लूटूथ की बात करें तो एक प्रकार का शॉर्ट रेडियो वेव्स के अकॉर्डिंग से काम चलता है ठीक है शॉर्ट रेडियो वेव्स यूज करते हैं एंड नो दैट की रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स एक ऐसी तरंगें हैं या एक ऐसी वेव्स है हुज अ हाईएस्ट हम कह सकते हैं जिसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ कहा जाता है जैसे सेल्फी जी ने बोथ के साथ गए हैं बोथ वन एंड टू और सी विकास जी विकास पांडे बी अलका कुमारी सी uh, प्रिया सिंह जी सी के साथ है ब्लूटूथ के बारे में बात करें तो ब्लूटूथ एक बेसिकली इसके बारे में बोला जाए तो एक कंपनी है जो जिसे हम बोलते हैं इंटेल के बारे में सुना होगा इंटेल इंटेल ठीक है ये अमेरिकन एमेंसीज है इंटेल एमेंसी जो बेसिकली अमेरिका में बेस्ड है ये कंपनी और दिस कंपनी हैज बीन दिस कंपनी इंटेल जो है इंटेल का एक बंदा था जिनका नाम था जैम अगर मैं बात करूं जैम कार्डक जैम कार्डक वॉज द पर्सन जैम कार्डक जैम कार्डक वॉज द पर्सन हु हैज गिवेन द टर्म ब्लूटूथ ब्लूटूथ के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था जयम काडक बहुत ही बढ़िया बच्चे जो बोथ वन एंड टू के साथ हैं दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट ब्लूटूथ बेसिकली एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी कनेक्शंस है फॉर आप मोबाइल की बात करें या लैपटॉप की बात करें जिससे हम कनेक्ट करते हैं ठीक है तो एक बार मैं ब्लूटूथ देख लो बहुत ही बढ़िया है ब्लूटूथ के बारे में आ, आ या, दिस इज यू कैन सी द सिंबल ऑफ ब्लूटूथ दिस इज द ब्लूटूथ तो बहुत ही बढ़िया है ब्लूटूथ के बारे में अब कभी कभी पूछ लिया जाता है एंड एज यू नो दैट कि इंटेल की बारे में बात करें तो इंटेल जो कि जो जो कहाँ पर है अमेरिकन कंपनी है सांता सांता कार्लाइज सिटी इन सिलिकन वैली सिलिकन वैली अगर बात करूँ सिलिकन वैली इज़ बेसिकली फेमस फॉर सेमी या माइक्रोचिप का जो भी यूज़ करते हैं जो भी हमारे लैपटॉप वगैरह में यूज़ किया जाता है तो वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरेट किया जाता है एंड एज यू नो दैट एंडिकन वैली ऑफ द वर्ल्ड सैन फ्रांसिस्को के नाम से जाना जाता है तो जो बच्चे हमारे सी uh, के साथ थे एंड टू वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर फॉर द ब्लूटूथ ठीक है चलिए दिस द थर्ड क्वेश्चन ऑन यू स्क्रीन थैंक्स सो लॉड प्रिया सिंह जी द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एलिमेंट्स एसेंशियली प्रेजेंट इन सन आर Uh, पूछा गया है कि सूर्य में अनिवार्य रूप से मौजूद तत्व है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हीलियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच ऑफ द एलिमेंट्स इज प्रेजेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन सन सूर्य में uh, कौन से तत्व बेसिकली प्रेजेंट होता है हेलो uh, स्वामी दहिया जी हेलो uh, डॉली सिंह जी कितने क्वेश्चन हो गए स्वामी दहिया जी आई थिंक दिस इज द थर्ड क्वेश्चन टेंशन ना लें आकाश शाह जी के साथ हैं सी के साथ हाइड्रोजन हीलियम अंबिकेश पांडे विद सी ओके okay, हाइड्रोजन हीलियम बहुत ही बढ़िया दो कोई भी एग्जाम है अपना इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है ओके okay, बहुत ही बढ़िया बच्चे जो बच्चे हाइड्रोजन एंड हीलियम के साथ हैं आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड एज यू नो दैट जो सन सन जनरेट अज अमाउंट ऑफ एनर्जी सन जो एनर्जी जनरेट करता है जो, जो रिलीज करता, करता है इट्स अ वेरी हाई एनर्जी जो बहुत ही उच्च तापमान का एनर्जी रिलीज करता है एंड बेसिकली एज यू नो दैट कि जहां सन की बात करें तो वहां पे बेसिकली कौन सा रिएक्शन होता है तो वहां पे पूछा जाता है कभी कभी ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या मैंने बोला न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस वेन सन एमिट रेज जब भी सन एमिट रेज करता है तो बेसिकली वो हाइड्रोजन एंड इट्स इट्स बेसिकली इन अ कंपाइल इन ए न्यूक्लियस फॉर्म ऑफ छोटे छोटे तत्व हीलियम के तौर पे टूटता जाता है और ये भी याद रखना जो सन है सन के पास एक बहुत ही हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है एक बहुत ही एंडोथर्मिक एनर्जी को रिलीज करता है अराउंड सिक्स थाउजेंड एनर्जी ठीक है अराउंड सिक्स थाउजेंड डिग्री सेल्सियस का हीट जनरेट करता है एंड एज यू नो दैट कि इस तरह के तापमान को मापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे बोलते हैं पायरो पायरो मीटर एन एज यू नो दैट कि न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस पे ही हम कौन से बम बनाते हैं हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम एंड एज यू नो दैट कि हाइड्रोजन बम जो होता है हाइड्रोजन बम जो होता है ये अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होता है कैसा चैन रिएक्शन होता अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन बहुत बहुत बढ़िया शाबाश बच्चे बहुत ही अच्छा विकास पांडे जी ठीक है हाइड्रोजन हीलियम की बात करें एंड एज यू नो दैट कि अभी बहुत ही करंट है करंट की बात करें तो हाइड्रोजन के बारे में बहुत ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें आ रही है उनसे जरूर रिलेटेड रहे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात अगर आपने दो तीन दिन पहले की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में न्यूज में काफी रहा इट इज अ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और इन कमिंग डेज इट विल बी क्रिएट अ लेस पॉल्यूटेंट इन द एनवामेंट ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में एड यू नो दैट कि ग्रीन हाइड्रोजन ब्राउन हाइड्रोजन दीज थिंग्स आर बेसिकली कमिंग इन आवर न्यूज तो आप प्लीज इसे करेंट से रिलेट करने की कोशिश करें ठीक है तो ग्रीन हाइड्रोजन एक अच्छी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि लीस्ट पॉल्यूटेंट हमारे एन्वायरमेंट में क्रिएट करेगा एंड हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को हम एक फ्यूचर फ्यूल के, के भी नाम से जाना जाता है भविष्य के ईंधन के भी नाम से जाना जाता है इसीलिए इसको इको फ्रेंडली भी कहा जाता है क्या कहते हैं इसे इको फ्रेंडली के नाम से भी जाना जाता है ठीक है बच्चों इको फ्रेंडली एंड एजोनोडेट के हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है एंड एजुनोदेट के अभी भी इसके बारे में बहुत ही कंफ्यूजन है कि हाइड्रोजन किस प्रकार का एलिमेंट है एंड एजुनोडेट के हाइड्रोजन का सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में देखोगे सबसे टॉप पे रखा जाता है हाइड्रोजन uh, को एंड हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय अ पर्सन दैट इज नॉन एज कैंडिसवेंडिस वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस एलिमेंट ठीक है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटोस विध डिफरेंट नेम मैंने क्या टर्म यूज किया कि एक यही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल में जो कि अलग अलग नामों से जाना जाता है जिसे बोलते हैं प्रोटियम डिटोरियम ट्राइटियम दीज आर द बेसिकली या इसे हम कह सकते हैं कि अवारा या वेल्ला एलिमेंट जो है ये घूमता रहता है एंड इट्स इजी टू फॉर्म हम कहते हैं किसी आराम से किसी के साथ भी बॉन्ड बनाने में सक्षम रहता है ठीक है बहुत ही बढ़िया ठीक है हाइड्रोजन के बारे में याद रखे और अभी बहुत ही बेसिकली आज मैं कल परसों का ही न्यूज में पढ़ रहा था मैं ठीक हूं स्वामी दहिया जी आप लोगों की दुआ से आ, कल परसों ही हाइड्रोजन पैराऑक्साइड के बारे में भी न्यूज में, में मैं रीड कर रहा था तो प्लीज इसी न्यूज़पेपर का साइंस एंड टेक को पढ़ते रहें ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इन कमिंग एग्जाम इट इज गोइंग टू कम ठीक है इसके बारे में हमेशा याद रखें और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में ज्यादा से मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूज आप आ, कलेक्ट करके रखें ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चे और ये ऐसे जितने भी आपके सामने ये गैस अगर मैं यहीं पे बात करूं, जैसे नाइट्रोजन है देखो नाइट्रोजन जो आपके एयर में, एयर जो बेसिकली हमारे एटमोस्फेयर में जो के एटमोस्फेयर मिक्सचर ऑफ एयर तो सबसे हायर कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेस जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का कितना है 78 तो इसी तरह से पढ़ते रहें आ, यहीं पे बात कर ले अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक प्रकार का कूलेंट के तौर पे भी काम होता है ठीक है कूलेंट के तौर पे ये एक प्रकार का आ, हम कह सकते हैं कि फूड में फूड को बचाने के लिए फूड को आ, फूड को फाउल स्मेल से बचाने के लिए जो चिप्स में पाया जाता है वो कौन सा गैस है वो नाइट्रोजन गैस है देखो नाइट्रोजन भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर मैं यही बात करूं सिंपल सा एक क्वेश्चन बन जाता है कि आ, कभी कभी क्वेश्चन हाइड्रोजन हीलियम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हाइड्रोजन हीलियम का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन एजुनाडेड की लाइटर गैस कहा जाता है सबसे लाइटेस्ट गैस माना जाता है लाइटेस्ट गैस मानने के बावजूद भी हम बलून में हीलियम गैस क्यों डालते हैं बलून में हम हीलियम गैस क्यों डालते हैं और हीलियम एक प्रकार का इनर्ट गैस है एंड एज यू नो दैट कि हम हीलियम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये एक्चुअली इनफ्लेमेबल इन नेचर नहीं है ये एक्चुअली हाइड्रोजन जो है इट क्रिएट्स हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी ये ऊपर जाके एयर से रिएक्ट करके ये जल ज्वलनशील होता है इसीलिए हम हाइड्रोजन को नहीं डालते हैं बलून में बींग एज अ लाइटेस्ट गैस ठीक है इसीलिए हम हीलियम को डालते हैं और आप कभी कभी यह भी याद रखना कि जो हमारा जो सिलेंडर होता है कौन सा सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो अभी बहुत ही मात्रा में न्यूज में ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर में एक प्रकार का इनर्ट गैस डाला जाता है वो कौन सा है? हीलियम गैस तो देखो कैसी वो क्वेश्चंस को बेसिकली करंट uh, से रिलेटेड अगर साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ज्यादा है न्यूज में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर मैक्सिमम पेशेंट ऑफ कोविड नाइनटीन ज डाइट ठीक है ये न्यूज में ग्रीन हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता वेरी गुड इवनिंग गुड़िया कुमारी जी ठीक है बच्चे तो इसी तरह से पढ़ना है आपको क्वेश्चन को चलिए हाँ अब देखो क्वेश्चन ये बन जाता है ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के बारे में मैक्सिम लोगों को पता है लेकिन यह नहीं पता कि हमारे बॉडी में हायर कंसनट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट इज प्रेजेंट तो वो है ऑक्सीजन हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में हमारे शरीर में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कौन सा गैसेस पाया जाता है या कौन सा एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है अराउंड फोर्टी सिक्स परसेंट ठीक है बच्चे बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया सेल्फी चलिए ब्रास अगर मैं ब्रास की बात करूं तो ब्रास इज एन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स ब्रास पीतल निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्र धातु है एलोय की बात करें तो अ काइंड ऑफ मिक्सचर्स एलॉय क्या कहा जाता है एलो एक प्रकार का मिश्रण होता है किसके किसके बीच में मेटल एलॉन्ग विथ नॉन मेटल या मेटल एलोंग विथ मेटल्स तो दिस फिनोमिना इज नॉन एज एलॉय तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रास ब्रास जो पीतल है ठीक है पीतल के बारे में पूछा पीतल एक एलॉ है तो पीतल किसका कॉम्बिनेशन है एल्यूमिनियम एंड कॉपर का है या क्रोमियम एंड टीन का है या कॉपर एंड टीन का है या कॉपर एंड जिंक का है uh, जैसे एल्फी जी है कॉपर एंड जिंक के साथ विकास uh, मेहरम जी हैं डी के साथ आकाश शाह डी दैट मीनस कॉपर एंड जिंक ब्रास ओके शिव जी हैं जो कि डी के अलका कुमारी गुड़िया कुमारी विथ डी कुमारी सुलोचना कॉपर एंड जिंक बहुत ही बढ़िया बच्चे जो बच्चे जो भी बच्चे आंसर दिए हैं कॉपर एंड जिंक दे आर एब्सोलूटली करेक्ट कॉपर एंड जिंक अगर मैं बात करूं कॉपर एंड जिंक की बात करूं तो कॉपर एंड जिंक इज एन अलॉय कॉपर एंड जिंक इज अ मिक्सचर ऑफ ब्रास ठीक है और यहीं पे याद रखना जो कॉपर एंड टीन है कॉपर एंड टीन की बात करें तो कॉपर एंड टीन इज बेसिकली एनलॉ ऑफ ब्रॉन्ज ठीक है ठीक है और यहीं पे याद रखना जो है बेसिकली एंड एंड कॉपर कॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसे याद रखना जो ये है आपने देखा होगा कि बेसिकली बहुत सारी महिलाएं जो हैं काफी मतलब रियल गोल्ड पहन के नहीं जाना चाहती भीड़ भड़ाक में जैसे भी क्राउडेड एरिया में होता है क्योंकि अजुन देखिए वो थोड़ा सा नोबल मेटल है ठीक है हाईली एक कॉस्ट भी अच्छी होती है तो इसीलिए कभी कभी देखना कि कुछ एल्यूमिनियम एंड कॉपर को जिसे रोल गोल्ड कहा जाता है जिसे आर्टिफिशियल गोल्ड बेसिकली उस पर एक एल्यूमिनियम का लेयर चढ़ा जाता है एज इट इज ही लगेगा गोल्ड की तरह ठीक है तो यह है रोल गोल्ड हम कह सकते हैं ठीक है रोल गोल्ड आर्टिफिशियल गोल्ड की बात करें तो ठीक है आर्टिफिशियल गोल्ड इज अ मिक्सचर्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर एल्यूमिनियम एंड कॉपर एंड जो ना कॉपर की बात करें तो कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एलिमेंट या हम कह सकते हैं फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन बींग्स जो हमारा कॉपर है इट वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन बींग्स कॉपर एंड टीन ब्रॉन्ज हो गया क्रोमियम और टीन की बात करें तो क्रोमियम और टीन बेसिकली स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है किसमें पाया जाता है बच्चों स्टेनलेस स्टील बेसिकली क्रोमियम और टीन का पाया जाता है ठीक है और एल्यूमिनियम का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम एल्युमिनियमोद के एल्युमिनियम का एटोमिक नंबर थर्टीन होता है आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एल्युमिनियम है ये बहुत ही बढ़िया अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि कभी भी क्रोजिव इन नेचर नहीं होता मतलब कभी भी इस इसपे रस्ट जो होता है रस्ट इन द गोल्ड जैसे हम रस्ट इन द आयरन पढ़ा इस पे क्रोजिव इन नेचर नहीं होता क्योंकि जब भी ये ऑक्सीजन इस पे आता है ऑक्सीजन जब भी इसके पास आता है ये एक प्रकार का लेयर बना लेता है जिसे बोलते हैं ए ड्यू टू दिस लेयर ड्यू टू दिस लेयर ए कभी भी एल्यूमिनियम पे क्रोजिव नहीं होता कभी भी इस पे करोजन करोजन नहीं होता अगर मैं यहीं पे बात करूं एल्यूमिनियम एक प्रकार का लेविस एसिड के भी नाम से जाना जाता है क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम को एक प्रकार का लेविस एसिड भी बनाया जाता है लेविस एसिड वैसे को बोला जाता है वैसे मेटल को बोला जाता है विच इज वेरी इजी टू एक्सेप्ट ठीक है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इजी होता है उसीलिए बोला जाता है आ, लेविस एसिड ठीक है तो ये सारे तत्व को समझते रहे मेट, uh, सारे फैक्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें एंड इट इज वेरी इजी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम को टारगेट करें इट इट इज इज वेरी वेरी फैंटास्टिक एंड अ राइट टाइम टू प्रैक्टिस ठीक है जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओ और कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा जो ईपीएफ वाले बच्चे हैं दो महीने का टारगेट मिला आप आराम से प्रैक्टिस करते रहो या सी या किसी भी यूपीएसआई सारे एग्जाम तो डिले हो जाएगा ओके okay. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन सोच समझ के देना द थ्री प्राइमरी सॉइल माइक्रोन्यूट्रिय क्या बोला रहा है थ्री प्राइमरी सॉइल माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिय कौन कौन सा इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे माइक्रो न्यूट्रिय कौन कौन सा है क्या वो कार्बन ऑक्सीजन एंड वाटर कॉपर कैडमियम एंड कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बोरोन जिंक एंड मैंगनीज तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ Uh, के बारे में अच्छा एन पी के सेल्फी जा रहे हैं ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया माइट भी हो सकता अभी है चलिए क्या बोल रहे हो uh, हा एनपी के मतलब सी के साथ मैक्सिमम टू बच्चे अलका कुमारी विथ सी ओके चलिए और कोई बच्चा आंसर देना चाह रहा है यू आर फ्री यू आर फील प्रिया सिंह जी भी सी के साथ हैं यू आर फ्री टू फील ठीक है आंसर देते रहे कोई बात नहीं विकास जी भी सी के साथ हैं डॉली सिंह भी सी के साथ हैं चलो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर आंसर जितने भी बच्चे लाइव देखते हैं ट्राई टू इंटरेक्ट ठीक है एंड दिस इज द बेस्ट मेथड गाइज बिलीव ऑन मी दिस इज द बेस्ट मेथड टू क्रैक टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट कितना भी बुक्स को पढ़ते रहो कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोग चलिए दिस uh, इज द बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बहुत ही हिम्मत दिखा के आंसर दिया और 100 परसेंट जो बच्चे हैं सी के साथ हैं बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बच्चे ने एनपी के साथ गया और हंड्रेड परसेंट गलत है ठीक है हंड्रेड परसेंट गलत है ठीक है हंड्रेड परसेंट गलत है एनपी के जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की बात करें सॉइल में तो पाया जाता है बट दे आर नोन एज मैक्रोन्यूट्रिय ठीक है याद रखना दे आर मैक्रो न्यूट्रिय क्वेश्चन में पूछा गया है माइक्रो न्यूट्रिय यही है यूपीएससी की बात जो माइक्रो हेलो मैं बढ़िया हूं अंशु जी कैसे हैं आप ठीक uh, है बच्चे तो 100 परसेंट के साथ ये गलत था क्वेश्चन में माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिय बेसिकली बोरोन जिंक एंड मैंगनीज इवन इट कंटेंट सल्फर ऑल्सो इट कंटेंट क्लोरिन ऑल्सो तो ये है बेसिकली ये है बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिय ये एनपीके जो बोल रहे हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम दिस इज नॉन एज माइक्रोन्यूट्रिय मैक्रो और जो बहुत ही बढ़िया विकास मेहरम जी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी <laughs> तो कैसा लगा बच्चों तो ये है इट्स यू कैन कंसिडर ज गूगली ठीक है यूपीएससी जो हमेशा फेंकता है लगा बहुत ईजी क्वेश्चन क्योंकि एनपी के एनपी के बारे में बहुत पढ़े बट एनपी के नाइट्रोजन या फॉस्फरस या हम पोटेशियम की बात करें दे आर नॉलेज मैक्रोन्यूट्रिय ऑफ सॉइल और यहीं पे याद रखना अब देखो जो एस एस सी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उससे बेसिकली पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी पेडोलॉजी ठीक है पेडोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ सॉइल क्वेश्चन सर पता नहीं था विकास पांडे जी ये है ईपीएफओ यूपीएससी का है ठीक है तो कोई बात नहीं इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखो ऐसे क्वेश्चन मिलता नहीं है मूड फ्रेश हुआ बहुत ही बढ़िया मूड फ्रेश होना चाहिए या बहुत ही बढ़िया डॉली सिंह जी समझ में आ गया नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो पोटेशियम एनपी के साथ वो माइक्रो नहीं वो है माइक्रो ऑफ द सॉयल ठीक है बच्चों Uh, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सिलिका जेल सिलिका अच्छा सिलिका गेट ऑफन फाउंड इन द पैकेज ऑफ मेडिसिन इवन आपने देखा होगा अच्छा है. हाँ नमस्ते शिवानी जी बढ़िया हूं आप कैसे हैं <coughs> चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं अच्छे क्वेश्चन चले गए चलिए अभी भी क्वेश्चन मिलेंगे हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलिका सिलिका गेट फाउंड इन द पैकेज ऑफ मेडिसिन इवन आपने जो आपने कभी भी अमेजन वगैरह से आपने मंगाया भी होगा चीज़ें तो आपने देखा भी होगा कि उसमें एक प्रकार का पैकेट होता है एंड एज यू नो दैट कि वो एक प्रकार का एमरफस और हम कहते हैं क्रिस्टल फॉर्म में तो नहीं होता एकदम एमरफस सॉलिड के तौर तो, पे वो रहता है जिसके हम सिलिकन ऑक्साइड के भी नाम सेना था एस आई ओ बोलते हैं सिलिका जेल तो बेसिकली इसका क्या यूज होता है विकास मेहरम जी सी के साथ हैं दैट मीन्स इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशंस ऑफ मेडिसिन माइट बी हो सकते हैं पूनम जी डी के साथ हैं धर्मेंद्र यादव जी सी के साथ हैं अंशु सिंह जी सी और आकाश जी आकाश जी नाम है उसका हाँ आकाश जी आउट ऑफ द बॉक्स ए के साथ चले गए हैं अलका कुमारी डी पंडित जी हैं डी के साथ ओके दैट मीन्स इट एब्जॉर्स मॉइस्चर्स इन द पैकेज बहुत ही बढ़िया जो बच्चे डी के साथ हैं दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट आपने देखा होगा कभी कभी अमेजन से बेसिकली लेदर वगैरह के भी सामान मंगाते हो बेसिकली वो क्यों रक, डाला जाता है कि वो किसी प्रकार का खराब ना हो ठीक है वो बेसिकली एयर मॉइस्चर जो होता है उसे एब्जॉर्व करके रखें एब्जॉर्ब नहीं तो रोहित राज जी सी नॉट इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स इन द पैकेज अगर उसमें मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो लेदर की चीजें की बात करें या कुछ वैसे पैकेज होता है जो कि आपका बहुत ही बढ़िया शिवानी जी इज़ द करेक्ट आंसर इसे ही बोलते हैं सिलिका uh, सिलिकन डाइऑक्साइड SIO2 टू के नाम से जाना जाता है ये एक प्रकार का मोस्चर्स ऑब्जर्वर इन पैकेज के तौर पे काम होता है एस आई ओ टू बहुत ही बढ़िया जो बच्चे uh, ठीक है और इसी को डेसिकेंट के नाम से भी जाना जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज डेसिकेंट याद रखना कभी कभी क्वेश्चन uh, में ऐसे पूछा जाता है टर्म एस आईओ टू को जो सिलिकन डाइऑक्साइड है इसे हम बेसिकली हम एक प्रकार का डेसिकैंड के नाम से भी जाना जाता है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया जो भी बढ़िया दिए यहां पे देखो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन uh, तो आपका सिलेक्शन मेन मोट मेन एम है कि किसी तरह से सिलेक्शन ले विच विटामिन फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड कोगुलेशंस ऑफ ब्लड की बात करें तो विटामिन ए है विटामिन डी विटामिन ई e, एंड विटामिन के तो आप आप लोग अपना ख्याल रखें ठीक है और मैं काफी हद तक मैं रिकवर हो गया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम्स ठीक है आप लोग से जुड़ने के लिए आया हूं मी यू आर राइट बहुत ही बढ़िया सेल्फी आंसर दें बच्चे इस क्वेश्चन का uh, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कोगुलेशंस की बात करें तो बेसिकली खून का थक्का जमना रक्त में रक्त के जमाव के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है आ, क्या है ए है डी है या ई e है या के है दीक्षा गर्ग जी डी के साथ हैं आकाश शाह डी फैसला कर दो ठीक है अंशु जी मैं कर देता हूं एक बार प्रिया जी डी के शिवानी इसके साथ है के साथ, के साथ विटामिन के प्रिया सिंह जी सी के साथ है विटामिन ई e के साथ है चलिए एक आंसर थोड़ा सा लगाया है आपकी बस सारे बच्चे विटामिन की है कॉगलेशन और अपना ख्याल रखें बच्चों जो मैंने बताया था ग्रीन हाइड्रोजन जरूर देखना ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा न्यूज में है ठीक है इसके बारे में जरूर देखना जो बच्चे लेट आए लतीफा है तो एक बार उसे उस पर जरूर इस इसपे प्रकाश डाले हर श्री जी डी के साथ हैं पंडित ऑप्शन डी अंशु सिंह जी विटामिन की अलका कुमारी कुमारी सुलोचना बहुत ही बढ़िया आ, जो कागुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें रक्त का थक्का जो जमता है इट हेल्प विच विटामिन के विटामिन के इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑफ के बहुत ही बढ़िया जय गौर साहब जी uh, बाकी बात ये सारे के सारे विटामिन देख लो विटामिन ए के बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये सारे के सारे विटामिन एक, एक साथ मिल गया एंड फैट विबल विटामिन और इनके अलावा दो है कौन कौन सा बी एंड सी विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन ठीक है वाटर सोल्यूबल विटामिन और यहीं पे बात करें कि विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए एज यू नो दैट कि नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू द डिफिशियंस ऑफ विटामिन ए विटामिन ए की कमी से जो है कौन सी बीमारी होते हैं नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इसे बोलते हैं रिकेट्स देखा होगा बेसिकली रिकेट्स बॉडी uh, काफी थिकन हो जाता है हड्डियों वगैरह का uh, अगर मैं विटामिन ई e की बात करें तो विटामिन ई e, जिस आपने देखा होगा जिसे जैसे uh, uh, जिसे हम बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी uh, ठीक है स्टर्लाइजेशंस फर्टिलिटी नहीं हो पाती है ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ई और विटामिन ई e, एक प्रकार का ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जाना जाता है एंड एज यू नो दैट कि विटामिन ई e का जो अगर साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है तो विटामिन ई e का जो साइंटिफिक नेम है टोको फेरॉल क्या बोलते हैं टोकोफेरॉल अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है उसे बोलते हैं रेटिनॉल क्या बोलते हैं उसे रेटिनॉल ठीक है चलिए विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कैल्सी कोबाल्ट कैल्सी करके नाम जाना जाता है विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है और विटामिन सब जो टर्म है इट वाज गिवन बाय सी फंक वाज द पर्सन हु हैज क्वाइंट दिस टर्म विटामिन यस विटामिन के इज सोलबल इन फैट विकास पांडे जी सिर्फ विटामिन बी और सी की बात करें विटामिन बी और विटामिन सी जो है एक प्रकार का क्या है वाटर सोलेबल विटामिन ओके चिकन पॉक्स इज कॉज बाय बैक्टीरियम जैपनीस एंसिफिलिटीज इज कॉज बाय वायरस एंड स्प्रेड बाई मॉस्क्यो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबाउट ईज आर करेक्ट आंसर दें बच्चे दिए गए कथन सा कौन सा सही है <coughs> हाँ क्या बोल रहे हो डेफिनेटली शिवानी जी आज एक्चुअली मैं उस पर क्वेश्चन भी आया था तो ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही न्यूज़ में है तो जरूर उस पर करेंगे आज तो मैंने आया हूँ चलिए ये बच्चे देखो टेलीग्राम चैनल से हमारा दिवा एकेडमी का जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ डू ज्वाइन दिस चैनल बिकॉज ये सारे के सारे पी जो है आपको बेसिकली आ, बेसिकली ये जो है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा बाकी बात जो भी टाइमिंग होती है क्लास की शेड्यूल होती है सारे के सारे इसी पे हम एंड शिवानी नाइदर वन एंड टू नाइदर वन एंड टू डी के साथ है मतलब ये दोनों से कोई सही नहीं है सेल्फी का आंसर है बी ओके जय गौर है ए दीक्षा गर्ग जी बी हैं अलका कुमारी सी है बोथ वन एंड टू प्रमोद जी सी के साथ है प्रिया वनली बी प्रियंका सिंह सी डॉली सिंह सी ओके चलिए बहुत ही बढ़िया धर्मेंद्र यादव सी मतलब मिला जुला आंसर मैक्सिमम बच्चे सी के साथ हैं और वन परसेंट जो है डी के साथ वन परसेंट मतलब शिवानी सी नाइदर वन एंड टू के साथ गई हैं और मैक्सिमम बच्चे तो नहीं हम कह सकते हैं अराउंड जितने भी बच्चे हैं उनमें से ट्वेंटी फाइव परसेंट बच्चे के साथ ये भी देख लेता हूं। कुमारी सुलोचना जो है विकास जी भी बी के साथ हैं बी है। चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चे तो जो बच्चे बी के साथ करेक्ट ठीक है, है। जैपनीज, uh, जैपनीज uh, मॉस्किटो द्वारा बार बार काटा जाता है बार बार बाइट किया जाता है एंड इसकी बात करें तो उसमें ब्रेन में स्वेलिंग आ जाता है ब्रेन में स्वेलिंग आ जाता है इसीलिए दो स्टेटमेंट जो दो सेकेंड था इट वॉज करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर बेसिकली जो मॉस्क्यूटो होता है वो एक प्रकार का क्यूलेक्स क्यूलेक्स स्पीसीज का मॉस्क्यूटो होता है याद रखना क्यूलैक्स क्यूलेक्स स्पीसीज का एक मॉस्क्यूटो होता है जो हमारा बार बार बाइट करता है इट इज कॉज बाय वायरस ये जो चिकन पॉक्स है ये बैक्टीरियम नहीं है ये एक्चुअली इट इज स्प्रेड बाय वायरस बहुत ही बढ़िया गुड़िया कुमारी जी जो तो हमारा चिकन पॉक्स है ये एक्चुअली वायरस है इट्स नॉट अ बैक्टीरियम एंड आपने सुना भी होगा इसके बारे में विरसोला जोस्टर्स विसोला जोस्टर्स वॉज द वायरस विच इज कॉज बाय चिकन पॉक्स तो बेसिकली एक प्रकार का रेडिस हो जाता है और एक प्रकार का दाने पड़ जाता है आपके स्किन पे रेडिस ब्लड उसमें बेसिकली आपका ब्लड जम जाता है राधिका जी गुड इवनिंग तो बहुत ही बढ़िया जो बच्चे आंसर बी के साथ दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट जैपनीज एंसिफ्लाइटिस ये एक प्रकार की आ, वाटर वॉटरबोन डिजीज हम कह सकते हैं या मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको एशियन एशियन कंट्री में मैक्सिमम ये पाया जाता है शायद इसका पिक्चर होना चाहिए कि वो मॉस्किटो दिखता कैसा है आई होप सो दिस य बहुत ही अच्छा ये ये देखो ये सारी के सारी जो पीडीएफ जो है ना ये देखो एकदम करंट था 2018 में काफी न्यूज में था तो जो बच्चे हमारे दीवा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल ये सारे के सारे पीडीएफ जो आपको बेसिकली उसी पे डाला जाता है ये सारे पीडीएफ ये सारे क्वेश्चंस ये आपको हमारे टेलीग्राम जो पिन किया गया अगर जो बच्चे न्यू है उसे ज्वाइन कर लेना दिस इज दिस इज द मॉस्किटो और ये uh, एक प्रकार का वायरस डिजीज है ऐसे बोलते हैं जैपनीज एनसेफ्लाइटिस मॉस्किटो बॉन्ड वायरस अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे मैंने बोला था कि सर क्लियर है बहुत ही बढ़िया दिस इज द क्लियर आपके लिए आप लोगों के लिए पिक्चर लाया गया है ठीक है देखो 2015, 16, 17, 18 में मैक्सिमम केसेस पाए जाते धीरे धीरे इंक्रीज होते गया। बेसिकली ये जो बच्चे बिलो 15 इयर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट होता है रॉन्ग हो गया तो कोई बात नहीं ठीक है ये सारे के सारे आपको ठीक है चलिए यस सेल्फी जी ब्रह्मोस इज द नेम ऑफ ब्रह्मोस का नाम है अ शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एन एयर डिफेंस गन अ मिलिट्री सैटेलाइट अ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ब्रह्मोस चलिए क्या है ब्रह्मोस क्या है ब्रह्मोस इज द नेम ऑफ एन एयर डिफेंस गन अ मिलिट्री सैटेलाइट अ शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मेरा गलत हो गया कोई बात नहीं अलका कुमारी जी गलत होना सही होना हार्डली मैटर्स प्रैक्टिस करते रहे और डेली बेसिस पे करें सेल्फी का ए है शिवानी ए विकास ए अंबिकेश पांडे ए कुमारी सुलोचना अलका कुमारी ओके okay, डॉली सिंह राधिका जी ए के साथ हैं रोहित राज बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी शायद उसमें सारे चीज़ कवर हो गए होंगे आई होप वायरस डिजीज ए और जो भी बच्चे न्यू है सारे के पी फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन है हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही बढ़िया आप ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस अ शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाल बहुत ही बढ़िया इसमें बेसिकली जो सारे के सारे बच्चे आंसर दिए एंड इट्स अ जॉइंट वेंचर दो कंट्री के बीच में है रशिया ठीक है रशिया और इंडिया के बीच में एंड दिस नेम इज बेसिकली सजेस्टेड बाय दो रिवर के नाम पे रखा गया एक है ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमारा इंडिया का है तो उसका है मौस्कोवा, मौस्कोवा। क्या मैंने बोला? रिवर ये जो रशिया का है और हमारा जो है इंडिया का ब्रह्मपुत्र इन्हीं दोनों नदियों के मेल से हमारा नाम पड़ा है ब्रह्मोस और ब्रह्मोस इज बेसिकली शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ठीक है और इसे जो इसे बनाया है तो बेसिकली दो कंट्री के तो इनका एक एनपीओ रशियन फेडरेशन एनपीओ जैसे हमारा इंडिया का डीआरडीओ है उसी तरह इनका जो है एनपीओ बेसिकली रशियन फेडरेशन एनपीओ के नाम से जाना जाता है इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से ब्रह्मोज मिसाइल बना गया और इनका जो नामांकन हुआ है तो दो नदियों के नाम से रशिया का मोस्कोवा और हमारा ब्रह्मपुत्र के नाम से और ये किस प्रकार का है ये एक प्रकार का शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका मैक नंबर की बात करें तो मैक नंबर आई थिंक नियर अबाउट थर्ड है मैक नंबर एक प्रकार का साउंड को डिनोट करने के लिए हायर रेंज ऑफ साउंड को डिनोट के लिए जैसे मैक नंबर सुपर सोनिक सुपर बूम दीज आर कैटेगरीज ऑफ मैक नंबर के अकॉर्डिंग से आ जाता है यस yes. आज मैं लेट हुई कोई बात नहीं सोनम जी जहां से आए वहीं से ज्वाइन कर लें बाकी बात आपके पास ये वीडियो रहेगा आप देख लेना उसके बाद ठीक है तो लाइव से क्या होता है थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो जाता है काफी दिनों के बाद आया हूं आप लोगों के साथ तो अच्छा लगता है अच्छा थ्री मैक स्पीड यस शिवानी जी द नेम ऑफ द पार्टिकल बोसोन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ किसी बोस एस एन बोस आइजक न्यूटन अल्बर्ट आइंस्टीन बोसोन की बात करें तो बहुत टाइम न्यूज हिक्स बोसन का नाम सुना होगा हिक्स बोसन तो वहीं से uh, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो एक uh, एक बहुत ही पर, ग्रेट पर्सनालिटी थी उन्हीं के नाम पे uh, ये बोसोन टर्म एसोसिएट है तो वो कौन है जैसे विकास महरम जी ने बहुत ही फटाक से आंसर दिया है एस एन बोस के साथ है शिवानी अच्छा नहीं सेल्फी बोस बोस प्रियंका सिंह जी जेसी बोस के साथ दीक्षा गर्ग जी बी के साथ है, रोहित राज बी विकास पांडे एस एन बोस कुमारी सुलोचना अलका कुमारी <coughs> आकाश साहब ए ओके अंशु सिंह जी <coughs> बहुत ही बढ़िया एस एन बोस ईज द करेक्ट आंसर ठीक है सत्येंद्र नाथ बोस ठीक है पार्टिकल हेक्स बोशन के भी नाम से जाना है बेसिकली ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन की बहुत ही मेरिटोरियस पर्सन है एट द एज ऑफ ट्वेंटी सेकेंड ईयर्स ये कोलकाता यूनिवर्सिटी के लेक्चरार बन गए थे लेक्चरार ये एस एन बोस जी जो जिनका जन्म हुआ था आई फर्स्ट जैन एटीन नाइनटी फोर यस आई एम नॉट अगर किसी को पता हो तो बता देना जन एंड बेसिकली इन्होंने क्या बोला था uh, इन्होंने प्लैंक्स लॉ प्लैंक्स लॉ के बारे में बताया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स लॉ जैसे ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन एमिट करता है जो ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन एमिट होता है इनका अकॉर्डिंग था कि जो रेड जो लाइट एमिट करता है इट इज नॉट अ लाइक ए वेव ये एक क्वांटम थ्योरी के क्वांटम के रूप में निकलता है इन, इनका था एस एन बोस का ये कहना था और इन्हीं के नाम पे ये हिक्स बोशन स बोशन का एक थ्योरी बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये ये जो बोसोन है इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग से ये टर्म दिया गया बोसोन बोसोन एक प्रकार का पार्टिकल्स नहीं है हमारे एटम का हम जैसे फोटोन जो फोटोन एक पैकेट ऑफ लाइट या क्वांटम के रूप में जो रिलीज होता है ब्लैक बॉडी जिसे रेडिएट करता दैट इज दैट इज नॉन एज फोटोन और इन्होंने एस एन बोस ने दिया था और इन्होंने ही सबसे पहले बेसिकली uh, इनके बारे में बताया था अपना थ्योरी इन्होंने लिखा था और जब ये लिखा था तो इन्होंने जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टीन के पास इनके थ्योरी को रीड किया गया और उन्होंने इसी को जर्मन लैंग्वेज में आ, रिप्रेजेंट किया था और आपने देखा होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी इन दोनों से ही रिलेटेड है बट बोसोन इज टोटली डेडिकेटेड टू एस बोस और जब इन्होंने ये टर्म दिया था एक्चुअली फर्स्ट जन को दिया था एक्चुअली उन्हीं को बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए दिस टर्म हैज़ बिन इवेंट ऑन हिज नेम तेंद्र नाथ बोस जो कि कलकत्ता में जन्म लिया थे। चलिए। ओके। फर्स्ट फर्स्ट लार्ज लार्ज रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया दैट यूजेज यू टू थ्री थ्री एज अल इज डिना पूर्णिमा ध्रुव या कामिनी। भारत का पहला बड़ा अनुसंधान रिएक्टर जो ईंधन के रूप में यू टू थ्री थ्री का उपयोग यूरेनियम टू थर्टी थ्री का उपयोग किया गया था ओके okay. बहुत ही बढ़िया चलिए आंसर दे बच्चे कामिनी ओके okay. सेल्फी का कामिनी आया है देवी जी प्रियंका सिंह रोहित डी कामिनी कुमारी सुलोचना आंसर दो बच्चे <coughs> <coughs> हम्म अलका कुमारी डी बहुत बढ़िया शिक्षा यादव जी नमस्ते आप लोग बताए कैसे हैं डी के साथ है। कामिनी कल्पक्कम कल्पक्कम या मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर कल्पक्कम मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर इधर बहुत ही बढ़िया शिवानी जी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सारे बच्चे जो भी डी के साथ थे अच्छा था एंड आई होप कि मुझे लग रहा था कि ध्रुव के साथ भी जा सकते हैं बट कल्पक्कम एज यू नो दैट की कल्पक्कम की बात करें तो ये आपका एक बहुत ही बड़ा अच्छा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु में एस्टेब्लिश है और यूरेनियम 233 थर्टी थ्री एज ए फ्यूल यूज हुआ होते हैं द करेक्ट हाँ चलिए एक बार मैं शायद मेरे पास ब्रह्मोस का इमेज तो था वो दिखाया नहीं आपको कि ब्रह्मोस दिखता कैसा है ये ये तो थोड़ा थोड़ा ये था आपका जैपनीज एनसीफलाइटिस ये है आपका ब्रह्मोज यू कैन सी इंडिया और रशिया का फ्लैग है ठीक है यू कैन सी दिस इज द बेसिकली ब्रह्मोज मिसाइल जिसे हम शॉर्ट बिटवीन ए डी क्यों कंफ्यूजन है शिवानी जी इतना कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए आपको आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप साथ ध्रुव के साथ जा सकते थे आंसर, yeah, या ये, ये है आपका ब्रह्मोस मिसाइल ठीक है ये सारे पीडीएफ आपको बहुत ही कलर में निकालना और अच्छा लगेगा अगर आप पीडीएफ को फॉर्मेट को कलेक्ट करते हो तो <coughs> चलिए बहुत ही बढ़िया कामिनी करेक्ट आंसर विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रोसेस कोई बात नहीं सोनम जी बने रहें लगातार रहें सब चीजें आसान हो जाएगी अभी मैं आज एक क्लासेस लिया और डे बाई डे में जो मेरी सारी क्लासेस जो पी वाले बच्चे हैं आर वगैरह जो बहुत बढ़िया अलका कुमारी जी द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी ठीक है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो भी मैंने एग्जाम को देता था या जो एग्ज़ाम दिया हूँ उसके मेरा सबसे बेस्ट मेथड ये लगता है कि जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छे से कॉन्सेप्ट को तैयार करना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई करते रहे एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन ट्राई करोगे दे डेफिनेटली uh, क्या बोल रहे हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फिजिकल प्रोसेस अंबिके शिवानी सबलिमेशन ऑफ आयोडीन कुमारी सुलोचना डी के साथ है बच्चे अच्छा और पानी वगैरह लेते रहें ठीक है द बेस्ट वे टू क्योर या द बेस्ट वे टू फाइट फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिजीज रोहित राज जी डी दी, दीक्षा गर्ग जी डी बहुत ही अच्छा बच्चा फिजिकल प्रोसेस क्या देखना सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सब्लिमेशन ऑफ बाकी सारे बात करो डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें क्रोजन ऑफ रस्टिंग ऑफ मेटल की बात करें प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड दे दे ऑल आर केमिकल प्रोसेस एक्चुअली सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन जो है सब्लिमेशन ऑफ सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कोई भी कुछ ऐसे सब्सटांसेस होते हैं जो सबलामाइल सब्सटांसेज होते हैं डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू गैसेज उसे कहते हैं सब्लिमेशन और उसे हम रिकन्वर्ट मतलब उसे हम आ, हम रिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा हम फिर पुनः से उस सबस्टांसेस को ला सकते हैं तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस का दो इंपॉर्टेंट याद रखना कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा फिजिकल में क्या होता है कि हम न्यू सब्सटांसेस नहीं मिलता है नो न्यू इज ऑप्टेंट और सेकेंड जो है हम रिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा रिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा जिससे हम कुछ बनाए थे वो फिर पुनः हमें मिल जाएगा उसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और ये दोनों इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है किसका फिजिकल प्रोसेस का बाकी के जितने भी आप ऑप्शन देखें डाइजेशन ऑफ फूड क्या आपने चावल खाया चपाती खाई दाल खाया क्या जिस वे में खाया क्या उसी वे में आप फिर से रिवर्सिबल प्रोसेस के तौर पर निकाल सकते हो नहीं डाइजेशन ऑफ फूड ए केमिकल चेंज हमेशा याद रखना कि केमिकल चेंज वैसे प्रोसेस को कहा जाता है इन विच न्यू सब्सटेंस आर ऑप्टेंड और वो इ प्रोसेस होता है वो क्या होता है एक इ प्रोसेस होता है ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि क्रोजन और रस्टिंग ऑफ अ मेटल जैसे आप क्वेश्चन मैक्सिमम टू रस्टिंग ऑफ मेटल की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन किस प्रकार का चेंज है रस्टिंग ऑफ आयरन जो बेसिकली है रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रकार का केमिकल चेंज है और हमेशा याद रखना कि रस्टिंग ऑफ आयरन में किस प्रकार का रिएक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें <coughs> जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं जो आयरन होता है Fe3+ ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Fe2+ हो जाता है इसीलिए इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हमेशा याद रखना कि जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो जो ओरिजिनल आयरन होता है जो रस्टेड आयरन होता है उन दोनों में हमेशा वेट पूछा जाता है किसका मास ज्यादा होगा तो हमेशा याद रखना कि जो Iron होगा, उसकी वेट हमेशा ज्यादा होता है ठीक है आयोडिन yes, you know एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसमें एक प्रॉपर्टी है जो कि मेटलिक प्रॉपर्टी करता है जो कि लश्चर इन दर मतलब लश्चर है मतलब इसमें साइनिंग है ठीक है ऑल दो आयोडीन जो है एक प्रकार का नॉन मेटल है नॉन मेटल होने के बावजूद भी कुछ अपवाद ऐसे होते हैं इसीलिए इसमें लश्चर पाया जाता इसमें चमक पाया जाता बहुत ही बढ़िया तो तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन और मैं मैक्सिमम करूंगा कोशिश कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के आते काफी दिनों से दिखे नहीं तो पूजा कौशिक जी आज ही मैं आया हूँ ठीक है और आशा करता हूं कि आप लोग भी बढ़िया होंगे और कल से कुछ और क्लासेस लगाना शुरू कर दूंगा अच्छा लगता है कि मैं अभी एक्चुअली कुछ समय से ये विद इन वन वीक मैं आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रश्मिका मंदाना के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था पूजा कौशिक जी अराउंड टू टू, टू ए, वन वीक से अराउंड एट टू नाइन डेज के बाद मैं आज लाइव आया हूँ तो इन दिनों में रश्मिका मंदाना जी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया बहुत अच्छा लगा उनके साथ क्योंकि ये समय ऐसा था कि कोई तो ऐसा होना चाहिए था जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ चलिए आप भी अपना ख्याल रखें ध्यान रखें और मैक्सिमम क्लासेस फिर जैसे भी होगा आप पी ये पी वगैरह तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और मैक्सिमम मैक्सिमम क्लासेस जो भी होगा आपको आ, जो है कम्यूनिटी यूज़ पर शेयर कर दिया जाएगा तब तक अपना ख्याल रखें ध्यान रखें और किसी तरह से नेगेटिव ना रहें पढ़ते रहें मस्त रहे खाते पीते रहे इंजॉय करें चलिए ऑल द चलिए ऑल द बेस्ट गाइस गुड नाइट टेक केयर बाय बाय